सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, अपन लोग दिल्ली आ चुके हैं एंड आज ट्रेडिंग सेमिनार है। 12 मार्च है और यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर 90% लोग यहाँ पर आए पावर स्टॉक और घनश्याम सर से मिलने, क्योंकि उनका इवेंट आपको पता होगा त्यागराज स्टेडियम पुष्कर ठाकुर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये स्टेडियम है और बस हम लोग एंट्री गेट ढूंढ रहे हैं, एंट्री गेट कहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे थे, बहुत सारे लोग मिले थे कि अब सब वहीं पर जा रहे हैं त्यागराज स्टेडियम में। 6,000 लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हमने देखा अभी था स्टेटस में, शायद किसी की स्टेटस में देखा था, उसने बताया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेमिनार होने वाला है फाइनेंस, मतलब ट्रेडिंग रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितनी भी पब्लिक है ना, अभी कुछ पब्लिक दिख रही है, कुछ पब्लिक नहीं दिख रही है। अभी स्टेडियम दिखाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो वहाँ देखेंगे कितने लोग हैं, इवेंट के बारे में देखेंगे। सो कितने कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितने लोग अटेंड नहीं कर पाए, कितने लोग पावर स्टॉक और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के फ़ैन हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। सो हम लोग आ चुके हैं त्यागराज स्टेडियम और ये है अपना स्टेडियम। ये अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, 8 बज चुका है, अभी आधे घंटे बाकी है। काफ़ी लोग यहाँ पर बाहर खड़े हैं, हम लोग बस ऐसी जुगाड़ करके अंदर आ गए एंड यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोग, वो देखो वकील टाइप के लोग बैठे खड़े हुए, देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखो ब्रोकर कितने हैं, हम लोग किसी ब्रोकर को जानते भी नहीं हैं यहाँ पर। अच्छा, ये तो बुक स्टॉल है, एक ये है ब्रोकर, आपको उल्टा दिख रहा होगा बट मैं किसी अभी ब्रोकर को नहीं जानता है, पता नहीं कौन से ब्रोकर हैं। तो सारे स्पॉन्सर्ड होंगे सारे, देखते हैं कौन कौन से लोग आते हैं एंड मज़ा आने वाला है। तो तब तक बने रहो एंड जो लोग आए उनके लिए बढ़िया, जो लोग नहीं आए तो उनको तो मैं ऑनलाइन दिखा ही रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम है तो अभी हम लोग देख लेते हैं त्यागराज स्टेडियम कैसा बना हुआ है। तो ये अपना टेबल टेनिस है, सब कुछ, सब सारे ग्राउंड हैं यहाँ पर। कोहली का क्या हुआ था, कोहली यहाँ पर खेलते थे ना यहीं से बचपन में, कन्फर्म नहीं है बस शायद हो सकता है। और ये देखो एक स्टेडियम है, खाली पड़ा लेकिन बहुत बड़ा यार एंड मज़ा आएगा। कौन कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कमेंट करके बताओ, कौन कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी लोग बाहर काफ़ी लोग खड़े थे, अब जितने भी लोग हैं सारे ट्रेडर ही होंगे, अब मालूम नहीं है क्योंकि इनके हम लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, वो तो चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं तो वो हमसे अभी मिल नहीं पाएंगे। बाउंसर भी बहुत खड़े हुए हैं। ठीक है, अभी हमारा अंदर जाने का कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाएँ, बट अभी एंट्री भी नहीं हुई है, पास मिलेगा, हम लोग जुगाड़ करके आए, सारे लोग बाहर खड़े इसलिए आपको भीड़ नहीं दिख रही होगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे क्या होता है, इसके बाद इवेंट स्टार्ट होगा, फिर वहाँ पर अगर अलाउ होगा तो हम लोग वीडियो कैप्चर करेंगे और देखते हैं। एक तो 40 लोग आ रहे हैं, 6 घंटे का इवेंट है, तो क्या क्या बोलेंगे मुझे भी नहीं पता। चलो तब तक टिके रहो और देखते हैं फिर क्या होता है। सो गाइस, हम लोग एंट्री हो चुकी है एंड हम लोगों के लिए वेलकम रेड कारपेट बिछा दिया गया है एंड यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ पर देख सकते हो एंट्री हो रही है काफ़ी लोगों की, 6,000+ लोग हैं एंड बहुत एक्साइटेड, एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर एंड सारे मैच्योर लोग होते हैं ना यहाँ पर, तो अलग ही लेवल की एनर्जी आती है। अब देखो एंट्री हम लोग हो रहे हैं एंड सबसे हम लोग लकी थे क्योंकि हम लोग बहुत पहले आ गए थे, 1 घंटे हम लोग ऐसे ही घूमे फिरे। तो स्टार्टिंग ये है अपना, हम लोग गोल्ड टिकट खरीद चुके हैं, अभी पूरा खाली स्टेडियम है भाई।
हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वी आर इंडियंस। ऑप्शन बायस, ऑप्शन बायस सेलर इन्वेस्टिंग नहीं होता, वी आर ट्रेडर्स। ऐसा नो आज आज डायरेक्शन में चला तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद प्रीमियम डल होने लगा, धीरे 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 जो डीके होने लगा,
फिर एक बार जाते जाते शाम को आपको देख पढ़ा के जाएगा। अगर मार्केट डायरेक्टर हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट डायरेक्टर हो, अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया हमें तो मार्केट डायरेक्टर आपका मार्क फिक्स हो। अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट कहीं एक्सपायरी के दिन में मिल गया ना इसी तरीके का, तो कम से कम आपका प्रीमियम 120 पॉइंट बढ़ेगा। 100 पॉइंट नहीं, 120 पॉइंट बढ़ते हुए दिखेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर उल्टी दिशा में गया तो कहाँ तक निकल जाना है, ये हमारा एसएल है। 0.00 जो है ये मेरा एसएल है, ये जो है ना ये लाइन मेरी एसएल है। यानी मुझे यहाँ पे 3-3 का मुझे एसएल लिया है। मेरा टारगेट यहाँ पे कितना है, पहला टारगेट 88 का, यानी मुझे एक्चुअल में टारगेट दिखा था मेरा कितना मिल गया, 0.55 का मुझे टारगेट मिलेगा यहाँ पे, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट मेरा होता है 1.27 जो कि ऊपर कहीं पे होगा। अब मार्केट क्लोज भी होना है तो आपको ये डिसाइड भी करना है कि मुझे निकलना है। जहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता है, ध्यान रखना कि एक मिनट की कैंडल मैंने लगाई हुई है, ये सारी चीजें मैं एक मिनट की कैंडल में बता रहा हूँ आपको, स्कैल्प करना बता रहा हूँ। लेकिन स्कैल्प पे भी 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट के मूवमेंट मिलते हैं लास्ट के। अब जाके आप इसको ट्रैक करना, जरा एक महीने का, डेढ़ महीने का छोड़ देना। आप लोग क्या करते हो ना, दिक्कत ये है कि सब जाके रात में पीछे का टेस्ट करेंगे। अरे पीछे का टेस्ट करेंगे, पैसा थोड़ा बनेगा तुम्हारा, आगे का टेस्ट करना। कल का दिन है ना, परसों है ना, गुरुवार है, मंगलवार है, बुधवार, अब पैसा लगा के टेस्ट करना। पेपर में लिख के टेस्ट करने से पैसा नहीं बनेगा, तो सब बन गया तो यहाँ निकलोगे आप। जब पेपर में देख रहे हो तो यहाँ निकलोगे एकदम इस जगह पे, यहाँ पे। और यहाँ तक जाने में ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल आपके निफ्टी को 50% बढ़ा देगी। ये जो 40 जाके और 30 आ जाएगा फटाक से ना, इसमें निकल जाओगे, इससे आपको निकल जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना टारगेट और स्टॉप लॉस। टारगेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट है कि 0.88। भैया कम से कम अपने एसएल से ज्यादा तो लेके जाओ, ध्यान रखना जितना एसएल दे दो उससे कम में अगर मार्केट आपको निकलने का बोला, जिससे अच्छा एसएल ही ले लो, डिसाइड कर लो। अगर जितना आप एसएल दे रहे हो, मार्केट अगर उससे कम दे रहा है, एसएल लेने में मैं एसएल लेना पसंद करूंगा, खुशी खुशी एसएल ले लूंगा। लेकिन मार्केट ऐसा करता नहीं है, 10 में से 9 बार आपको ये डायरेक्शनल मूव देगा। जब भी ये चीजें बनेगी ना, 10 में से 9 बार आपको डायरेक्शनल मूव मिलेगा, कम से कम 100 से 120 पॉइंट का, फिक्स है ये। पीछे का खोल के देखना, आगे का खोल के देखना, आगे का खोल के देखो, पैसे लगा के देखो, ज्यादा अच्छा पीछे मत जाओ। पीछे जाओगे तो फिर वही होगा, अरे बड़ा अच्छा है, अरे बड़ा अच्छा, अरे बड़ा अच्छा। और कल ही उसने एसएल दे दिया, पागल है, ये भी कुछ अलग करता होगा, फिर से अलग बता दिया, हम लोग को चूना लगा दिया इसके पीछे का दिखा। ये कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यू करोगे। सो मैं बोला था 100 ट्रेड करोगे तब ये प्रॉफिट दिखेगा, 2 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं दिखेगा। आप 2 ट्रेड कर दिया, अरे यार मुझे प्रॉफिट नहीं है, तुमने बताया 2 कैसे लोग, शायद आप अच्छे चले, बाद वाले आप कंटिन्यू चले को। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो ना, तभी आप सोचो कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एक दिन ट्रेड कर रहे हो, आज पैसा खत्म कर लिया, फिर सैलरी आएगी तब लेके करेंगे, ट्रेडर आप हो ही नहीं। इतना ही पैसा डालो ना कि आप पूरे एक महीने तक लेके चलो, इतना रिस्क वाले उसमें मैनेज करो ना। रिस्क मैनेजमेंट ऐसा करते हो कि पूरे एक महीने कम से कम 22 ट्रेडिंग सेशन चले, भले आपने 20,000 रुपये डाले हैं, तो ऐसा करो कि 22 ट्रेडिंग सेशन चले, भले वो ऑप्शन में तो नहीं चलेंगे, फिर आपको स्टॉक में जाना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में आना है तो कम से कम आपके पास 50,000 रुपये तो होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। ये पैसे होते तो अच्छा लगता है थोड़ा, क्या एक ट्रेड खराब भी हो गया तो अगले ट्रेड में जाके। अब आप लोग ट्रेड कैसे करते हो ना, आप लोग ने 1,00,000 रुपये पूरा 1,00,000 लगा दिया, 30,000 खत्म, अब 70 पे ट्रेड, तो रिकवर कैसे होगा, होगा ही। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये आपने 20,000 से ट्रेड किया, 20,000 पे लॉस हो गया, अगले 80,000 मेरे पास पड़े, वहाँ से वापस 30,000 दूसरा मैंने उठाया, तो लॉस वो खत्म हो गया, 20,000 कंप्लीट करके फिर से मैंने ट्रेड किया, तो ये रिकवर हो सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, कैपिटल को पहले खत्म करते हो, फिर उसको रिकवर करने के लिए आते हो, और फिर भगवान के पास जाके मंदिर में दुआ करते हो, भगवान मेरा सारा रिकवर हो गया, मैं छोड़ दूंगा ट्रेडिंग, छोड़ दूंगा मेरा दिन। भगवान बोलते तुमको छोड़ देंगे, मैं तुमको इसी में फंसा के रखूंगा, तुम आप छोड़ नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखना क्या करना है, हर समय मार्केट 2:30 बजे के बाद, जब भी मार्केट 2:30 बजे के, सॉरी 2 बजे के बाद गिरे, और 3 बजे से पहले हमें ट्रेड लेना, ये ध्यान रखना ट्रेड हमारा हमेशा 3 बजे से पहले का होगा। 3 बजे से पहले अगर ट्रेड बन गया तो ठीक है, 3 बजे से पहले वाला ट्रेड नहीं बना, 3 बजे से पहले ट्रेड नहीं बना तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमारा ट्रेड हमेशा 3 बजे से पहले बन जाना चाहिए। कभी भी आप देखो कितना पीछे का उठा के देखोगे ना, 2:30 से 3 बजे के बीच में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखो चीज़ें करते करते ना आदत पड़ जाती है, यहाँ पे नहीं मिला है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे नहीं बना है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जबरदस्ती ट्रेड मत दो, जहाँ पे बना है वहाँ पे देखो। आप लोग क्या, जहाँ नहीं बनता वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे देखो 3 बजे के बाद फिर से वो चीज़ें मिली है ना, 100 पॉइंट का मूव है, आपको नहीं दिखेगा, हमें मुझे पता है, मैं रोज करता हूँ, मुझे पता है कहाँ पे क्या करूँ। वो 10 में से 9 दिन मार्केट यही कंडीशन में लाके चलता है। 3 बजे के बाद बड़ी पोजिशन आती है, कुछ कवर होती है, कुछ नई पोजिशन लोग लेके जाते हैं, अगर ऊपर का मिला तो, नहीं मिला तो शांति से बैठे रहो, बंद कर दो। अगर हमें 100 पॉइंट का एक मूव मिल गया नीचे का, वहाँ से मार्केट अगर 33 के ऊपर निकलता है तो वो 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल जाता है, 80 से 100 पॉइंट का बड़े आराम से। और मैं देखो ज़्यादातर मैं 80 से 100 पॉइंट की मूव पकड़ने में मास्टर हूँ, और जितने में मास्टर हूँ वही करूँगा, मैं दूसरे का देख के नहीं करूँगा। मैं 300 पॉइंट पकड़ लूँ, अगला चल रहा मैं पकड़ लूँ, मुझे जो आता है वो करूँ, मुझे वो आता है वो चीज़ें पकड़ लूँ, ठीक है। अगर चीज़ें पसंद आए तो बस आप लोगों का आशीर्वाद मुझे देते रहिए, बाकी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ।
सो गाइस अभी जस्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन एंड हुआ है, बहुत मजा आया है। आप देख सकते हो हमारी एनर्जी गला बैठ गया, इतना ज़्यादा हम लोग रूटिंग की थी। सबसे आगे फ्रंट सीट बैठे थे, गोल्ड सीट हम लोगों ने ली थी। एंड सबसे ज़्यादा मजा आया है गन श्याम सर और पावर स्टॉक, 90% से ज़्यादा लोग आए थे केवल गन श्याम सर और पावर स्टॉक को सुनने। और लास्ट में ही उनका रखा गया था ताकि सारी ऑडियंस तब तक बैठी रहे, और जैसे ही उनका सेशन एंड हुआ सारी ऑडियंस भाग गई, बस 15-20 लोग बचे थे, इसके बाद ख़त्म। ठीक है, एंड हम यहाँ पर आए, हमारी 12 बजे के लगभग ट्रेन है और 2-3 लोग यहाँ पर हम लोग आए थे दिल्ली, और एंड हो चुका है ट्रेडिंग सेशन। बहुत मज़ा आया, तो हम लोग कन्नौट प्लेस आए, रेलवे स्टेशन जस्ट यार 1-1.5 किलोमीटर के एरिया के पास है ये कन्नौट प्लेस है। भाई साहब यहाँ का हमें माहौल ऐसा लग रहा है जैसे फ़ौरन में आ गए हैं, ये सेम लेकिन पहली बार मैं कन्नौट प्लेस आया हूँ, सेम लग रहा है। आप देख सकते हो ये आपको दिख रहा होगा, पूरा वाइट है। तो दिल्ली हाँ अच्छी जगह है घूमने के लिए, बट ये है कि पैसा हो तभी आप पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर फोर व्हीलर ही सारी खड़ी हैं। ठीक है, तो पैसा कमाओ ट्रेडिंग से और इन्जॉय करो लाइफ। तो एंड करते हैं ब्लॉग को, मिलते हैं सेशन में, एंड इन्जॉय करो, ट्रेड करो, मस्त रहो।